समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी कहाँ हैं? कानपुर पुलिस को फिलहाल इस बात का कोई पता नहीं। हालांकि कानपुर पुलिस की कई टीमें दोनों की तलाश में कानपुर और लखनऊ समेत कई जगहों पर दबिश दे रही। इस बीच पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित का 164 का बयान दर्ज करा दिया है। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपी अभी सामने नहीं आए, इसलिए उन्हें एग्जामिन नहीं किया जा सका है, लेकिन फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सबूतों को लगातार इकट्ठा करने में जुटी है। पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी कहाँ हैं अभी किसी को पता नहीं। कानपुर पुलिस किस तरह से आगे कार्रवाई कर रही है, इस पर बात करने के लिए जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आनंद प्रकाश जी, किस तरह से आप लोग कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तक रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी नहीं पकड़े गए? इस मामले की विवेचना जाजमऊ पुलिस के द्वारा की जा रही है और प्लेस ऑफ ऑकरेंस से घटनास्थल से जितने भी साक्ष्य कलेक्ट किए जाने चाहिए वो सारे किए गए हैं। 164 का बयान भी पीड़िता का कराया गया है और इस बात को ध्यान में रखा गया है कि सभी प्रकार के साक्ष्य फुटेजेज और जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ पे घटना के स्थान पर जो कुछ भी अवेलेबल है उसके सैंपल्स, उसकी फायर टेस्टिंग और सारे एग्जामिनेशंस परफेक्टली कर लिए जाएँ, जिससे कि विधि सम्मत और न्याय सम्मत कार्यवाही अदालत के द्वारा की जा सके। बाकी जो इसमें प्रश्नगत दोनों क्वेश्चन पर्सन हैं, दोनों इस मुकदमे के एक्यूज्ड हैं, उन लोगों से पूछताछ के लिए, उनसे ज़रूरी चीज़ों को जानकारी करने के लिए उनकी भी तलाश की जा रही है। अभी तक कानपुर पुलिस को वो नहीं मिले हैं, बट हमारा मानना है कि हम बहुत जल्दी जो है उनसे भी पूछताछ कर पाएंगे। सवाल यह कि फॉरेंसिक्स को भी आप लोगों ने मौके पर भेजा था? हाँ बिल्कुल, वो हमारा जो है ज़रूरी काम है और हमें न्यायालय में एविडेंसेज रखने होते हैं किसी भी मुकदमे में, तो न केवल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ द साइट बल्कि आसपास के जितने विटनेसेज हैं, जो कैमरे हैं उनको भी हमने लिया है और हम लोगों ने पीड़िता का 164 का बयान भी कराया है माननीय न्यायालय के समक्ष, जिससे हम इसको क्वालिटेटिव और बेहतर विवेचना के रूप में पूरा कर सके, जिससे पीड़िता को न्याय दिया जा सके और जिससे इस बात की तस्दीक हो सके कि जो सही है वो हो रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।